रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना सैंपल कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैंपल कलेक्शन के लिए सर्व सुविधा युक्त यह वैन ICICI बैंक प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना सैंपल कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैंपल कलेक्शन के लिए सर्व सुविधा युक्त यह वैन ICICI बैंक प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई है। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कहा कि यह वैन मिलने से सैंपल कलेक्शन कार्य में और गति आएगी, जिससे जिले में कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को मजबूती मिलेगी। हम ICICI बैंक प्रबंधन के आभारी हैं, जिन्होंने इस कठिन समय में ऐसा सहयोग हमें दिया है। यह वैन रायगढ़ के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। ICICI बैंक प्रबंधन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार उनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम रायगढ़ जिले में ही यह वैन प्रदान की गई है। इसे विशेष रूप से सैंपल कलेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पीछे की ओर दो टेक्नीशियन बैठ सकते हैं। वैन के दरवाजे पर ग्लास होल्डर माउंट किया गया है, जिससे टेक्नीशियन अंदर बैठे बैठे ही सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही पीछे की ओर जरूरी सामान रखने के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें एकत्रित सैंपल को स्टोर किया जा सकता है। वैन की खासियत यह होगी कि सैंपल कलेक्शन के लिए इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। टेक्नीशियन को बार बार PPE किट बदलने की जरूरत नहीं होगी और कम समय में ज्यादा से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, आज हमने CSR के तहत ICICI के द्वारा एक कोविड के लिए मोबाइल सैंपल कलेक्शन वैन उपलब्ध कराई गई है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे शहर में अभी काफ़ी केसेस मिलने लगे हैं और सैंपल कलेक्शन के लिए हमारी टीम को जाना पड़ता है, तो ये एक अच्छी वैन है। इसके अंदर बैठ के ही हमारी जो टीम अंदर बैठे रहेंगे वो लोग, और बाहर से वो सैंपल ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी सुविधा एक हमारे जो टीम है उसके लिए हो जाएगी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक अच्छी सुविधा रह जाएगी। सर, एक मंथली वैन है और भी वैन के लिए आप जिस हिसाब से करेंगे? नहीं, अभी तो एक वैन आई है, फिर भविष्य में देखेंगे। अभी हमारी टीम जो जाती है अपनी खुद की गाड़ियों में जाते हैं और नीचे उतर के करते हैं। अब इसमें क्या नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है, उनको नीचे उतर के उनको एक कुर्सी लगाते हैं, दूरी देखते हैं, फिर उस तरह सेट करना पड़ता है। अब क्योंकि ये हर छोटी वैन है तो शहर के हर कोने में जा सकती है, गलियों में भी जा सकती है, इसका ये फायदा है कि छोटी वैन है तो अब शहर के इवन स्लम एरिया कोई भी हो, पतली जो रोड है वहाँ पर भी, तो ये हमारे जो टीम है उसको बहुत सहायता करेगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक क्लिक के साथ सभी तेंदू पत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री जी की इस पहल के बाद तेंदू पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की सभी तेंदू पत्ता संग्राहकों को बोनस का वितरण किया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल एक क्लिक के साथ ऑनलाइन बैंक ट्रांजेक्शन कर बोनस की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की है। रायगढ़ वन मंडल प्रदेश के सबसे बड़े वन मंडल क्षेत्र में आता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ जिले में वन संपदा से जीविकोपार्जन करने वाले हजारों लोग जिले में पुरखों से निवासरत हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में जब लोग रोजी रोटी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, ऐसे समय में तेंदू पत्ता संग्रहण कर हजारों रुपए का बोनस मिलने से वनोपज समितियों के सदस्यों के चेहरे पर खुशी की झलक दिख रही थी। वन मंडल अधिकारी के कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में DFO रायगढ़ व DFO धर्मजयगढ़ की उपस्थिति में वनोपज समिति के पदाधिकारियों ने बोनस वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। जिले में करीब 43,000 तेंदू पत्ता के संग्राहकों को बोनस वितरण का लाभ मिला है। जिले की 53 समितियों में 51 समिति को कल बोनस वितरण किया गया है। जिले में 51 समितियों को लगभग 11 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की गई है। हमारे यहाँ जो है करीब 43,000 संग्राहकों को तेंदू पत्ता का बोनस वितरण किया गया है। टोटल 53 समितियों में से 51 में बोनस वितरण हुआ है। कुल 11 करोड़ रुपए का बोनस वितरण हुआ है। इसमें सबसे अधिक कया समिति का दर था जो 4,057 रुपये प्रति मानक बोरा का हुआ था, और वहाँ के मान सिंह को 50,000 रुपये बोनस प्राप्त हुआ है, जो हाईएस्ट है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह का
ही जो है हर जिला यूनियन में, जैसे धर्मजयगढ़ के जिला यूनियन के DFO साहब बताएंगे, वहाँ भी इसी प्रकार की स्थिति है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरे छत्तीसगढ़ में 232 करोड़ रुपए बोनस का वितरण हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लघु वनोपरिश्रम और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान है। इस कोरोना काल में जहाँ की महामारी है, जहाँ बेरोजगारी है, उन परिस्थितियों में बहुत बड़ा सहयोग है। ये लोग हैं जो हमारे संग्राहक हैं, इनके सहयोग से ही संभव हो पाया है। हम लोगों का धर्मजयगढ़ वन मंडल में लगभग 70% है अपना वनो क्षेत्र है, उसमें लगभग है 54 समितियाँ हैं, प्राथमिक लघु वनोपज समिति। अभी आज का जो कार्यक्रम में लगभग 20 करोड़ का बोनस वितरण 2018 के विरुद्ध बोनस वितरण हुआ है, जिसमें 45,000 जो संग्राहकों को फायदा मिला है। इन सभी को हम लोग है पूरा खाता दे चुके हैं DBD के माध्यम से। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करकमलों में जो ऑनलाइन में जो DBT किए होंगे, इसीलिए सबको खाता में तुरंत चले जाता है। धन्यवाद। किस प्रकार से खुशी की लहर है तुम्हें पता संगत? नहीं, आपको मतलब बिल्कुल है, बोनस जब भी मिलता है, क्योंकि पहले से भी जो अपना जो समर्थन मूल्य है मिनिमम देते हैं वो 4,000 हो गया 2,000 से, अभी उसके बाद है जितने भी जो पत्ता में एडिशनल एक्स्ट्रा जो पैसा मिला है वो तो खुशी की बात है। जब हम लोग जो जानकारी देख रहे थे, एक सबसे ज़्यादा संग्रह का 90,000 रुपया पा रहा है, वो है पूरा परिवार के साथ किए होंगे, और मतलब 90, 70, 80 ऐसा करके बिल्कुल घर में तो खुशी रहता है, क्योंकि मेहनत किया है इसीलिए बिल्कुल वो पात्र है। हम है कि मतलब इतना हम एक सेवक के रूप में उनको पूरा DBT के माध्यम से इधर उधर कुछ नहीं होना करके पूरा मतलब 45,000 जो संग्रह को जानकारी लेके शासन को दिया, शासन पैसा ट्रांसफर कर रहा है। ये हमारे भूपेश बघेल जो सरकार है, किंदु पत्ता का बोनस दे के हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को लाभ बहुत पहुँचा है, और हर प्रकार का जैसे दान का बोनस अभी मिला है, हर गाँव में अभी जैसे गोठान है, हर गोठान में अभी हम लोग खाद का खरीदी कर रहे हैं। तो किसान को अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो इतना फायदा करके कमाई हो रहा है, बहुत खुशी है। और तेंदूपत्ता का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत लाभ मिला है, और मैं इस रायगढ़ जिला का वनोपज का अध्यक्ष हूँ, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कभी कभी नहीं, दिक्कत तो नहीं आती है, जैसे कि हमारे मानसिंह राठा है कया का, कितना बोनस मिला नहीं रहते, बहुत उनको बोनस मिला है, ऐसे मिले किसान लोग को तो बहुत फायदा होगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।